उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में बीते कई दिनों से लगातार बारिश हो रही है। बारिश के साथ साथ आकाशीय बिजली भी कहर बनकर गिर रही है। मुजफ्फरनगर में भी आकाशीय बिजली का कहर देखने को मिला है। यहां मीरापुर थाना इलाके के तुल्लाहेड़ी गांव में बीती रात से हो रही बारिश के दौरान तेज आवाज के साथ आकाशीय बिजली एक कच्चे मकान की छत पर गिर गई। इससे मकान के अंदर सो रहे माँ बेटे की मलबे के नीचे दबकर मौत हो गई। दरअसल मीरापुर थाना इलाके के गांव तुल्लाहेड़ी निवासी 50 वर्षीय मुन्ना अपनी 72 वर्षीय माँ अंगूरी के साथ मकान में सो रहा था। रविवार की अल सुबह बारिश के दौरान अचानक से तेज आवाज के साथ उसके मकान पर आकाशीय बिजली गिरने से उसके मकान की छत भरभरा कर गिर गई, जिससे माँ बेटे दोनों मलबे के नीचे दब गए। सुबह करीब 4 बजे फरहीन पशुओं को चारा डालने के लिए अपने पिता को जगाने के लिए पहुंची तो उसे घटना की जानकारी लगी, जिस पर उसने शोर मचाते हुए ग्रामीणों को घटना की जानकारी दी, जिससे मौके पर हड़कंप मच गया और ग्रामीणों ने मलबे में दबे माँ बेटे के शव को बामुश्किल बाहर निकाला। रात 3 बजे मकान पर बिजली गिरी और मकान गिरने से मुन्ना और अंगूरी दोनों दब गए। आप लोगों को कब जानकारी लगी? जब उसकी लड़की आई जी, उन्हें बुलाना, उनको पापा निहार कर दो, तो उसने देखा तो जी वे मरे पड़े। उसके बाद में मकान गिर के मर गए। फिर आप लोगों ने क्या किया? हमने जी उन्हें निकाल लिया और पुलिस को सूचना दी। आपको जैसे अवगत है कि आज रात्रि में लगभग 3 बजे आकाशीय बिजली से यहाँ पे जो कच्चा मकान था, ये मुन्ना पुत्र मेहरुद्दीन का, इसमें बारिश से जो है अचानक जो है गिर गया और उसमें 2 लोगों की दबकर मृत्यु हो गई। बाकी परिवार वालों को भी जो है यहाँ पे, क्योंकि मकान इनके पास जो बाकी कमरा बचा हुआ है वो भी कच्चा है, तो इनको तत्काल जो है इनको दूसरे मकान में शिफ्ट कराया जा रहा है और इनको जो भी दैवीय आपदा के अंतर्गत जो आवश्यक सहायता दे होती है वो सारी जल्दी ही दे दी जाएगी। बता दें कि आकाशीय बिजली का असर इतना जबरदस्त था कि छत में डाले गए लोहे के गार्टर प्लास्टिक की तरह से मुड़े हुए थे। कमरे में रखा हुआ सामान भी मलबे के नीचे दबा हुआ था। लोग मकान की गिरी हुई छत को देखकर चौंक रहे थे। वहीं घटना की जानकारी लगते ही सीओ शकील अहमद, नायब तहसीलदार जसमेंद्र सिंह, एसडीएम खतौली जीत सिंह राय, मीरापुर जानसट और रामराज थाने की पुलिस फायर ब्रिगेड की गाड़ी के साथ मौके पर गए। घटनास्थल का निरीक्षण कर पीड़ित लोगों को कच्चे मकान से निकालकर एक ग्रामीण के पक्के मकान में भिजवाने के निर्देश दिए, साथ ही आर्थिक मदद का आश्वासन दिया। वहीं पुलिस ने दोनों शव पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिए।